नमस्कार प्रणाम आप सभी को, आप सभी का प्यारा सिंगर गोलू जी खलीलाबाद। दोस्तों मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा और एक ताली बजाना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, हूबहू, बहुत ही अच्छा जुबान, गुंडा कह सकते हैं या गुंडी कह सकते हैं, एक गुंडे की वाइफ कह सकते हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। अभी समथिंग चार पांच महीना पहले यही शब्द मेरे लिए आता था। लोग बोलते हैं कि आपने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। अभी मैं आपको एक छोटा सा क्लिप सुनाता हूं, आप उसे जरूर सुन लीजिएगा। तू कॉल जा, तू साफ साफ बोल दा भाई। देख का के कुछ कहा ना चाहता भी आगे तने का चाहता नहीं भाई। आप पर तू लोग चाहे तो करा हमारा नाम दे दिया बच्चा लोग। तो हम आउट कॉल थी सब। तो देखा आपने, वीडियो सुन रहे हैं, बस यही जुबान थी मेरी कि वीडियो में मेरा नाम मत लीजिएगा। बस इतनी सी जुबान थी मेरी, उसको यहाँ से वहाँ उड़ा चढ़ा कर दुनिया भर का बात ऐसे वैसे फैलाया गया। अब आप देख सकते हैं, इसे गुंडा कह सकते हैं या गुंडी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। देखें मैंने क्या कहा था, पैसों का घमंड, जब किसी इंसान के पास अचानक से पैसे आ जाए वो पागल हो जाता है, समझ रहे हैं आप, पागल हो जाता है। देख सकते हैं आप, ये किसकी वाइफ है, किसकी बीवी है और किसकी भौजी है, आप देख सकते हैं, बड़े बखूबी देख सकते हैं। और आप सभी जनता रूपी से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को सपोर्ट मत किया करिए। आप लोगों ने ही मुझे एक दिन पहले मुझे बहुत बुरा भला कहा था, मुझे बोला था मैं ऐसा किया वैसा किया। अब आपने सामने देखिए, आप अपने आंखों के सामने देखिए, आज ये वही इंसान है जो आज चंद पैसे आ जाने के बाद लोगों को धमकी दे रहे हैं, मारने की, बोलने की, काटने की धमकी दे रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं। आप अब बताइए उस टाइम मैं गलत था क्या? मैंने अगर, चलिए ठीक है, मैंने उसके लिए कुछ कह दिया तो आपने मुझे इतना, लेकिन आप खुद सोचिए इस चीजों को कि आप किन लोगों को आप आसमान में चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो खाएंगे आप ही का और काटेंगे भी आपको। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, ये सारे विवादों में, ये सारे हर एक बातों में मुझे इतना नजर आ रहा साफ साफ कि रजनी कौशल बहुत ही अच्छे कलाकार है, बहुत अच्छे इंसान भी है और एकदम बेकसूर है बेचारे। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जैसे ऑडियो में कि साफ साफ उनको गाली दिया जा रहा है। तो क्या नाम उनका, देवी नाम मुझे नाम नहीं पता, मुझे क्या नाम है उसका, वो जिसको आप लोग पगला पगली बोलते हैं, जैसा भी हो नाम मुझे नहीं पता इन लोगों का, लेकिन मैं साफ साफ आवाज सुन रहा हूं कि हमारा मूड खराब हुई तो ये कर दे वो कर दे। सेम बस यही एक शब्द मैंने बोला था, उसके बाद आप सभी लोगों ने मुझे जज किया था, जजमेंट दिया था मेरे ऊपर कि आप ऐसे वैसे हो। अब आप लोग बताइए, क्या मैं उस टाइम गलत था, क्या मैं उस टाइम, मैंने क्या कुछ गलत बोला था? उसके बाद मैंने तो कभी कुछ बोला ही नहीं, मैंने कभी किसी के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट दिया नहीं, लेकिन इन लोगों ने पूरा बिल्कुल हा हा छी छी छू छू लेदर कर दिया, बिल्कुल सब कुछ कर दिया। अब आप देखिए रजनी कौशल के साथ ये सेम मिलकर वही करना चाहते हैं। आज ये कलाकार, ये बच्चे इतना आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग मिलकर यही करना चाहते हैं आप सभी के बीच में। और मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि आप सभी जनता स्वरूपी से कहना चाहूंगा कि एक बात जानिए, जो मासूम होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो चंद पैसे बिल्कुल मतलब उनके पास कुछ जो नहीं होता, ये मत समझिए, ये कभी मत समझिए कि जो मासूम दिखता है, जो गरीब दिखता है, जो बिल्कुल बेसहारा दिखता है वो इंसान सच्चा हो सकता है, कभी नहीं। बाबा का ढाबा वाला भी हाल हुई था, रानू का मंडल का वाला हाल वही था, जितने भी लोग हैं, जितने भी बहुत गरीब अपने आप को मानते हैं, ये वही हाल करते हैं। चंद पैसे आने के बाद आपको ही काटने दौड़ेंगे, आपको ही उल्टा सीधा बोलकर निकल जाएंगे, यही कहानी आप देख लीजिए आपके सामने हो रही है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, रजनी कौशल बाबू आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपके सपोर्ट में जितने लोग हैं, मेरी पूरी जनता से यही निवेदन है कि मेरे पूरे लोगों, मेरे भाइयों से निवेदन है कि इन लोगों को सपोर्ट करें और कोई बात बने बिगड़े तो इनका सपोर्ट आप लोग बिल्कुल करें, उतरे इनके लिए। और ये वीडियो देखिए, इस आवाज को सुनिए एक बार और फिर से सुन लीजिए, देखिए ये गुंडा और गुंडी मिलकर क्या करना चाहते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। अरे सुना हम कहा था।